हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है रमजान का डे 11 और आज हम बनाने वाले कुछ इफ्तार। तो वीडियो को देखिएगा अंत तक, एंजॉय कीजिए। आज यह वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है क्योंकि इफ्तार जो है हम बनाएंगे। तो वैसे तो इफ्तार आपने बहुत खाया होगा घर पे, औरतें बनाती हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे कि कैसा होता है इफ्तार और कुवैत में मज़े करने वाले हैं इफ्तार बना के। तो दोस्तों, आज ये है चना जो कि काफ़ी फेमस होता है हमारे यहाँ, वो इंडिया में हम लोग खाते हैं। तो आज बनाएंगे चना। तो ये हमारा चना हमने ले लिया है। उसके बाद हम काटेंगे प्याज। तो देखिए कैसे प्याज काटा जाता है, तो एकदम थीन और स्लाइस। तो देख सकते हैं कैसे हम प्याज काट रहे हैं। पतले में काट लेना प्याज को। तो ये सिर्फ चना है, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि बनाने के टाइम ये ड्राई होना नहीं चाहिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज थोड़ा, क्योंकि टेक्सचर काफ़ी अच्छा होता है प्याज डालने के बाद। फिर हम फ्लेवर के लिए थोड़ा उसमें चिली डाल देंगे, ग्रीन चिली, देख सकते हैं। तो उसको बीच से चिली को काट दीजिए ऐसे। इसमें थोड़ा तेल ऐड करते हैं क्योंकि टेक्सचर अच्छा होता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। और हल्दी डाल देंगे, थोड़ा ऐड करेंगे। फिर हम ढक्कन को बंद कर देंगे कुकर को और उसको 2-3 सीटी बजने तक इंतज़ार करेंगे। चलिए देख सकते हैं। ये हमारे जो शेफ है ना, ये नर्वस है, शेफ नहीं है, बार्टेंडर है। ये नर्वस है, पतला काट रहा है, काफी पतला हो जा रहा है। देखिए बैगन यहाँ पे कट चुका है। आलू की बात, आलू के पकौड़े होते हैं, मुझे काफी पसंद है, तो एक आलू के पकौड़े भी बनाएंगे। देखिए काफी बेहतरीन शेप में बंदा काट रहा है। तो हम अभी बैटर बनाएंगे वो बेसन का। तो मैंने पानी डाल दिया ऑलरेडी इसमें। फिर इसमें हम डालेंगे हल्दी। ओके, उसके बाद डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार। आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना डाल सकते हैं, आपको जैसा टेस्ट हो स्वाद अनुसार, ठीक है। और थोड़ा सा रेड चिली ऐड करेंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा रेड चिली, थोड़ा सा इसमें और हम ऐड करेंगे बेसन। तो जिस थिकनेस की हम बात कर रहे थे, देखिए ये ऐसा होना चाहिए, आप उठाए तो ऐसे, मतलब एक, देखिए क्या बात है। इसको हम इसमें फेंट लेंगे और उसके बाद ले चल देंगे हम यहाँ पे तेल, जो देख रहे हैं कढ़ाई में है ऑलरेडी। तो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है देखने में। तो देख सकते हैं कितना फ्लफी, मतलब ऐसा होना चाहिए, देखने के बाद मज़ा आ जाए। मतलब देखिए फ्लफी कैसे हो रहे हैं। प्याज का बैटर रेडी है, थोड़ी देर में बात होगा। टाइम आज बहुत कम है तो मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि इफ्तार का टाइम जस्ट 15 मिनट बाकी है बस, तो जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। ये पिट्टा जो भी है, बैटर रेडी हो चुके हैं, मुझे काफ़ी पसंद है। तो मैंने सोचा इसको भी थोड़ा चीनी का, देखिए मज़ा आ जाएगा इससे करके। मज़ा आ जाएगा, मतलब आज चटनी है ना, धनिया की चटनी जो मैंने इसे बनाया, इसमें इमली और हरा मिर्च और जो है धनिया, मज़ा आ जाएगा आज। तो दोस्तों आज इफ्तार देख सकते हैं कैसा है। ये है बशबूशा बोलते हैं इसको, बशबूशा अरबी में। और ये हमारा दोस्त जो कि आया है इंडिया से, तो देख सकते हैं ये काजू कतली काफ़ी पसंद है मुझे, देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मीठों का दौर है, ये इतना मीठा है। उसके बाद अभी हम दिखाएंगे आपको पकौड़े वगैरह। और ये जो कलाकंद है ना, मुझे काफ़ी पसंद है, मज़ा आ जाएगा आज।
तो फाइनली देख सकते हैं पकौड़े तैयार हैं यहाँ पे, आलू के पकौड़े, बैगन, भजिया और ये चिली वाला। आपने कभी ये देखा है क्या, मिनी मिनी ब्रेड पकौड़ा? ये देखिए मिनी ब्रेड पकौड़ा, छोटा वाला आज मैंने बनाया है, मिनी छोटा ब्रेड पकौड़ा, टाइम नहीं था। तो वीडियो को यहीं पर अंत करूँगा, टाइम हो गया है इफ्तार करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए इफ्तार का।